क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें देखना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है 6Z, ये जो रिंग है इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 6। ऑप्शन नंबर बी में 6Z ये जो रिंग है ये 0 डिवाइजर होगा बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है जेड बाई 6Z क्रॉस 6Z इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। ऑप्शन नंबर डी में एक रिंग दिया गया है 6Z क्रॉस 6Z ये एक इंटीग्रल डोमेन होगा हमें बोला गया है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग 6Z इज 6। अच्छा 6Z जो होता है वो क्या होता है, मान लो जब जेड इक्वल टू 1 तब ये होगा, जब जेड इक्वल टू 0 तब होगा 0। जेड इक्वल टू 1 के लिए 6, जेड इक्वल टू 2 के लिए 12 एंड जेड इक्वल टू 3 के लिए 18, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। एंड जेड इक्वल टू -1 के लिए -6, -2 के लिए -12, -3 के लिए -18, ठीक है। अच्छा तो ये जो एलिमेंट्स आ रहा है वो 6 के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ से मान लो वो है 6m इस टाइप का है, ठीक है। इसे आप 6m+6m+6m मान लो आपने n टाइम्स ऐड किया है, अप टू n टाइम्स, ठीक है। आपने n टाइम्स ऐड किया है तो n इंटू होगा 6m, ठीक है। तो क्या दिस इक्वल्स टू 0 कभी भी आएगा? नहीं आएगा ना, दिस इक्वल्स टू 0 कभी कभी नहीं होगा, दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दिस इक्वल्स टू 0 होता तब इसका इसे कैरेक्टरिस्टिक होता n, तो दिस इक्वल्स टू 0 कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब इसे कैरेक्टरिस्टिक है 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब इसे देखो, यहाँ पे द रिंग 6Z हैज ए 0 डिवाइजर। देखो 6Z जो रिंग है वो 0 डिवाइजर नहीं है, वो एक इंटीग्रल डोमेन है, ये 0 डिवाइजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से आप दो नॉन जीरो टर्म को ले लो एंड मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी क्या ये 0 आएगा? नहीं आएगा ना, तो इसलिए ये 0 डिवाइजर नहीं है। एंड ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग इज 0 डिवाइजर होगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, ठीक है। अच्छा हाँ यहाँ पे 0 होगा, क्यों होगा? क्योंकि 6Z का कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो इसलिए जेड बाई 6Z इंटू 6Z ये जो रिंग होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है द रिंग 6Z क्रॉस 6Z दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे यहाँ से मैंने दो एलिमेंट पिक किया, ठीक है। एक मान लो है 6,0 एंड दूसरा है 12,0 या 0,12 लो या 6,2, मैंने 12 लिया, ठीक है। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? मैंने यहाँ से दो एलिमेंट लिया, एक मान लो 6,0 एंड दूसरा है 0,12, तो 6,0.0,12 क्या होगा? 0,0, ये नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, दोनों का मैंने डॉट किया तो आया एक 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 डिवाइजर है, ठीक है, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, तो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 ए में हमें बोला गया है आई आर, आर जो रिंग है कम्युनेटिव रिंग इसका आइडियल है, एंड ए इक्वल्स टू दिया गया है, ए इक्वल्स टू है आर बिलोंग्स टू स्मॉल आर बिलोंग्स टू रिंग आर, ठीक है, सच दैट आर टू द पावर एन बिलोंग्स टू आई एंड एन जो है स्मॉल एन वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो है ए आर का आइडियल होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आई आर का आइडियल है तो हमें प्रूफ करना होगा ए जो है वो भी आर का आइडियल होगा, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए एंड बी ये दोनों ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब
ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन दोनों आई में बिलोंग कर रहा है एंड आई आइडियल है आर का, इसका मतलब ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन बिलोंग्स टू आई होगा, ठीक है। अच्छा तो आप देखो ए एंड बी दोनों ए में बिलोंग कर रहा है एंड ये दोनों अगर आर का आइडियल है इसका मतलब ए माइनस बी भी ए में बिलोंग करेगा। तो ए माइनस बी अगर ए में बिलोंग करता है तो ए माइनस बी होल टू द पावर एन ये आई में बिलोंग करेगा, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये आई में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो क्या होगा एन सी जीरो ए टू द पावर एन माइनस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस अप टू, अच्छा मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ए टू द पावर एम ले लेता हूँ एंड बी टू द पावर एन ले लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ए टू एम माइनस बी होल टू द पावर एम प्लस एन प्लस वन करता हूँ। मैंने क्यों ऐसा किया, एम प्लस एन प्लस वन, एम प्लस एन प्लस वन, एम प्लस एन प्लस वन एंड यहाँ पे होगा एम प्लस एन एंड एम प्लस वन सी टू एम प्लस एन ये होगा एम प्लस एन। अच्छा देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अप टू क्या होगा, मान लिया मैंने ये दोनों आइदर ये दोनों इवन है या दोनों ऑड है, ठीक है। अच्छा अगर ये दोनों इवन है तो इवन प्लस वन होगा ऑड, अगर ये दोनों ऑड है तो ऑड प्लस ऑड मतलब इवन प्लस वन होगा ऑड, ठीक है। तो मैंने ऑड बनाने के लिए ऐसा किया, क्यों ऐसा किया ऑड बनाने के लिए, ऑड बनाना क्यों ज़रूरी है, तो देखो क्यों मैंने किया, एम प्लस एन प्लस वन सी एम प्लस एन माइनस वन ए टू द पावर ये होगा ए स्क्वायर बी टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम प्लस एन प्लस वन सी एम प्लस एन माइनस टू ए टू द पावर ये होगा ए टू द पावर वन इंटू बी टू द पावर एम प्लस एन सॉरी ये होगा एम प्लस एन एंड प्लस एम प्लस एन प्लस वन सी एम प्लस वन इंटू बी टू द पावर एम प्लस एन प्लस वन, ठीक है। अच्छा तो अब देखो, अच्छा यहाँ पे एक माइनस आएगा, ये होगा प्लस एंड ये होगा माइनस, ठीक है। अगर ये जो एम प्लस एन प्लस वन ये अगर इवन बन जाता तब ये यहाँ पर प्लस हो जाता, ठीक है। तो माइनस लाने के लिए मैंने ऐसा किया है, तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पे ये जो होगा ये होगा एम प्लस एन प्लस वन एंड ये भी होगा एम प्लस एन प्लस वन, ओके सॉरी ये होगा वन, ये एम प्लस वन नहीं, ये होगा वन एम प्लस एन प्लस वन सी जीरो ये होगा वन एंड ये भी होगा वन। तो रहेगा क्या, ए टू द पावर एम प्लस वन माइनस बी टू द पावर एम प्लस वन, ठीक है। इसके बाद आएगा क्या, इसके बाद आएगा ये एंड ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये होगा एम प्लस वन सी वन, ये होगा एम प्लस वन, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लो माइनस एंड यहाँ से आप ए इंटू बी कॉमन ले लो तो आएगा ए टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन, माइनस होगा यहाँ से बी टू द पावर होगा एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो आएगा, इसके बाद आएगा क्या आएगा, इसके बाद आएगा ये प्लस, ये होगा एम प्लस एन प्लस वन इंटू एम प्लस एन, यहाँ से आप यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ से आप इन दोनों में से आप ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आएगा
ए टू द पावर एम प्लस एन माइनस टू माइनस बी टू द पावर एम प्लस एन माइनस टू। अब देखो ये जो है I में बिलोंग करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो इसका मतलब ये जो पूरा है ये I में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो A है A माइनस बी होल टू द पावर एम प्लस एन प्लस वन दिस इज बिलोंग्स टू I, तो इसका मतलब A माइनस बी बिलोंग्स टू A, तो A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A, तो ये इम्प्लाई कर रहा है A माइनस बी बिलोंग्स टू A, तो एक कंडीशन तो फुलफिल कर गया है। ठीक है, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है अगर R बिलोंग्स टू R है एंड A बिलोंग्स टू A कैपिटल A है, तो हमें दिखाना है कि A इंटू आर ए जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, ये हमें दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा तो ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, आर ए को दिखाएंगे हम, आर ए होल टू द पावर एन ये आई में बिलोंग कर रहा है ये हम दिखाएंगे। देखो आर ए होल टू द पावर एन, ठीक है, ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू आर टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन। ठीक है, अच्छा ये ए जो है कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए टू द पावर एन आई में बिलोंग कर रहा है, एंड आर कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर टू द पावर एन आर में बिलोंग कर रहा है, एंड ये ए टू द पावर एन आई में बिलोंग कर रहा है, आई आर का आइडियल है, इसका मतलब ये जो आर टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन है ये आई में बिलोंग कर जाएगा, दिस इम्प्लाइज आर ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये दो कंडीशन फुलफिल कर गया, इसका मतलब ए जो है वो आर का आइडियल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 बी में हमें एफ एक्स एक पॉलीनोमियल रिंग दिया गया है, पी एक्स एफ एक्स का एक एलिमेंट है, तो पी एक्स एक पॉलीनोमियल है, अच्छा तो एंड फाई एक फंक्शन है एफ एक्स से एफ क्रॉस एफ में। ठीक है, एंड फाई ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू पी जीरो कमा पी वन, तो हमें प्रूफ करना है कि फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, एंड हमें ये भी प्रूफ करना होगा कि एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये जो कोशेंट रिंग है ये आइसोमॉर्फिक होगा एफ क्रॉस एफ रिंग के साथ। ठीक है, अच्छा पी एक्स जो है वो एक पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो पी एक्स जो है वो इस टाइप का होगा कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अच्छा ये मान लो ये पी वन है एंड पी टू क्या है, पी टू है बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू बी एन इंटू एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाई पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स इक्वल्स टू फाइव पी वन एक्स प्लस फाइव पी टू एक्स ये हम दिखाएंगे। तो देखते हैं, तो ये अच्छा पी वन एक्स क्या है, पी वन एक्स है ये एंड पी टू एक्स है ये। अच्छा अब एक काम करो, पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स करते हैं, तो ए नॉट प्लस बी नॉट, ठीक है ए नॉट प्लस बी नॉट, इन दोनों को हम एक साथ रख रहे हैं, इसके बाद x का जो कोफिशियंट है x को कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो ए वन प्लस बी वन आएगा x प्लस अप टू ए एन प्लस बी एन इंटू एक्स टू द पावर एन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अच्छा अब देखो ये भी तो एक पॉलीनोमियल ही आया है ना, मान लो ये जो पॉलीनोमियल है ये है पी थ्री एक्स। ठीक है, अच्छा अब फाइव पी थ्री एक्स क्या आएगा, पी थ्री जीरो कॉमा पी थ्री वन आएगा। ठीक है, अच्छा अब पी थ्री जीरो क्या आएगा, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो तो क्या आएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट, ठीक है कॉमा पी वन, अब पी थ्री वन क्या आएगा, एक्स की जगह वन पुट कर दो तो क्या आएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन प्लस अप टू ए एन प्लस बी एन। ठीक है,
अच्छा तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस ए वन प्लस अप टू प्लस ए एन कमा बी नॉट प्लस बी नॉट प्लस बी वन प्लस अप टू प्लस बी एन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये है सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, ये होगा ए नॉट कॉमा ए नॉट कॉमा ए नॉट प्लस ए वन प्लस अप टू ए एन, ठीक है, प्लस बी नॉट कॉमा बी नॉट प्लस बी वन अप टू बी एन। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये है पी जीरो पी वन जीरो, एक्स का जगह आप जीरो रख दो तो क्या आएगा ए नॉट कॉमा पी वन, एक्स का जगह वन रखोगे तो आएगा ये प्लस, अब आप x के जगह जीरो रखो तो आएगा b नॉट तो p टू जीरो कमा, आप x के जगह वन रखोगे तो आएगा ये, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, ये है phi p वन x, ओके, एंड ये क्या है phi p टू x, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू दिस हमें मिला है, अब हमें जो दिखाना है नेक्स्ट जो दिखाना है फाइव पी वन एक्स डॉट पी टू एक्स इक्वल्स टू फाइव पी वन एक्स डॉट फाइव पी टू एक्स हमें दिखाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो एक काम करो यहाँ पे आप पी वन एक्स एंड पी टू एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा फाइव फर्स्ट जो कॉन्स्टेंट टर्म आएगा ए नॉट इंटू बी नॉट, ठीक है, यहाँ पे x का डिग्री जीरो है एंड x का डिग्री वन वाला टर्म क्या होगा a नॉट इंटू बी वन प्लस ए वन इंटू बी नॉट, ए नॉट इंटू बी वन प्लस ए वन इंटू बी नॉट एक्स अप टू x का पावर n का एक टर्म होगा जिसका कोफिशियंट ये बहुत बड़ा कोफिशियंट होगा तो इतना ही रख दो। अच्छा ये एक पॉलिनोमियल है एंड फाइव पी एक्स क्या है पी जीरो कॉमा पी वन, अच्छा यहाँ पे x का जगह जीरो रखोगे तो क्या आएगा ए नॉट इंटू बी नॉट कॉमा पी वन, यहाँ पे x का जगह वन रख दो तो क्या आएगा ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट प्लस अप टू चलता जाएगा। अच्छा अब देखो, अब इसे हम ए नॉट कॉमा ए नॉट प्लस ए वन प्लस अप टू ए एन डॉट बी नॉट कमा बी नॉट प्लस बी वन प्लस अप टू बी एन, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? देखो हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों को आप डॉट प्रोडक्ट करो क्या आएगा ए नॉट इंटू बी नॉट, ठीक है, इसके बाद ए नॉट इंटू बी नॉट ए नॉट इंटू बी वन सॉरी ए नॉट के साथ ये बी नॉट होगा एंड इसके साथ इसका होगा, ठीक है, डॉट होगा तो ये आ जाएगा, आप करके देख सकते हो। एंड ये क्या है, ये है पी वन जीरो, ठीक है, एंड ये है पी टू जीरो। पी वन जीरो क्या है, देखो पी वन जीरो है ये, यह है पी वन जीरो एंड सॉरी पी वन जीरो है ये ए नॉट है पी वन जीरो एंड सॉरी मैंने ये क्या किया है, ये है पी हाँ पी वन ये वन होगा ये पी वन वन होगा कॉमा है यहाँ पर एंड एक्स के जगह वन पुट करोगे तो ये आएगा डॉट पी टू जीरो बी नॉट होगा पी टू जीरो एंड ये है पी टू वन, ठीक है। अच्छा एंड ये क्या है, ये है फाइव पी वन एक्स डॉट ये है फाइव पी टू एक्स, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू दिस हमें मिल गया है, तो ये जो फाइव है वो रिंग होमोमोर्फिज्म है, ओके। एंड नेक्स्ट हमें जो प्रूफ करना है वो है ये, तो फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड प्रूफ को देखते हैं।
अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए आपको जानना होगा कि फाई जो है वो ऑन टू होगा या नहीं। अगर ऑन टू होगा तो ये होगा, तो फाई को हम ऑन टू कैसे दिखाएंगे, देखो देखो फाई जो फाई पी एक्स जो आएगा ना, फाई पी एक्स क्या आएगा, फाई पी एक्स आ रहा है ए नॉट, फाई पी एक्स है पी ज़ीरो कॉमा पी वन, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू है ए नॉट कॉमा ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए एन, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ए नॉट जो है, ए नॉट है मान लो बी नॉट इंटू सी नॉट, तो ए नॉट है बी नॉट इंटू सी नॉट, ए वन है बी वन इंटू सी वन, ए टू है बी टू सी टू प्लस अप टू ए एन है बी एन इंटू सी एन, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि बी नॉट कॉमा बी नॉट प्लस बी वन प्लस अप टू बी एन डॉट सी नॉट कॉमा सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस अप टू सी एन, लिख सकते हैं हम ऐसा। अच्छा, तो दिस बिलोंग्स टू एफ क्रॉस एफ होगा ना, ओके। तो इसका मतलब फाइव जो है वो तो ऑन टू हो गया है, ओके। अच्छा, अगर फाइव ऑन टू है एंड अच्छा हमें कर्नल फाई चाहिए, कर्नल फाई क्या होगा, पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स सच दैट फाई पी एक्स जब जीरो होगा तब। अच्छा, फाई पी एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, फाई पी एक्स क्या है, फाई पी एक्स है पी जीरो कमा पी वन, ठीक है। अच्छा, पी ज़ीरो क्या है, पी ज़ीरो कमा पी वन, पी ज़ीरो क्या है ए नॉट कमा पी वन क्या है ए नॉट प्लस अच्छा एक मिनट, पी ज़ीरो इसे हम ऐसा नहीं लिखेंगे, तो ज़ीरो को ना ज़ीरो कमा ज़ीरो लिख लो, ठीक है। अच्छा, पी ज़ीरो क्या है, मतलब जब एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ से तो हम ये लिख सकते हैं पी ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो एंड पी वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, तो पी ज़ीरो का मतलब है एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ये हमें एक रूट मिलेगा, एंड दूसरा रूट क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वन, तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमें दो रूट मिल रहा है एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एंड दूसरा मिल रहा है एक्स इक्वल्स टू वन, ओके। अच्छा, तो जो पॉलिनोमियल होगा तो वो कैसा होगा, x इंटू एक्स माइनस वन ऐसा होगा ना, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं हम। अच्छा अच्छा, होमोमोर्फिज्म का जो फंडामेंटल थ्योरम है वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बाई कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ एफ एक्स, ओके। अच्छा, एफ एक्स क्या है, सॉरी एफ एक्स तो एफ एक्स ही है, फाई एक्स कर्नल फाई क्या है, कर्नल फाई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड फाई ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, फाई ऑफ एफ एक्स आएगा एफ क्रॉस एफ आएगा, क्योंकि फाई जो है वो ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है इसलिए। तो यही तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था, ठीक है।